नमस्कार, आप देख रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM, वर्ड नो टोबैको डे के एक विशेष कार्यक्रम नाहर हॉस्पिटल भीमाल और V1 रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ नाहर हॉस्पिटल के कई वरिष्ठ डॉक्टर और सर्जन मौजूद हैं और हमें लगातार अलग अलग विषयों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिए जा रहे हैं, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे साथ जो इस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पद्मचरण पात्रा जी। तो पद्मा जी हैं OMS ENT एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं और अपने विषय के काफ़ी बड़े जानकार हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर और टोबैको से होने वाली बीमारियों के बारे में और उनके उनके उपाय के बारे में हमें यहाँ पे ये जानकारी देने आए हैं। तो हम सबसे पहले सर आपका स्वागत है V1 रेडियो 90.8 FM में। और मैं जानना चाहूँगा कि सर जो कि आज जो हमारा जो मेन विषय है नाहर हॉस्पिटल के एक की जो एक मुहिम है आपको यहाँ पर एक जागरूकता के लिए हम यहाँ पे निमंत्रण दिया है, तो हमें सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके विभाग में जो आपका जो कान नाक गला जो होता है इसके अंदर तंबाकू किस तरीके से असर करता है, इसमें क्या क्या रोग हो जाते हैं तंबाकू के सेवन से। देखिए, पहले तो शुरू किया जाए, तंबाकू जो है उसका असर दोनों तीनों अंग पे होता है हमारे, जैसे ENT में कान नाक और गला। तो शुरू करते हैं, पहले जो उसका मुख्यतः इफेक्ट रहता है वो गला के ऊपर रहता है। गला में जैसे यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में छाले बोल के पेशेंट बोलते हैं, तो छाले से वो शुरू होता है। बहुत सारे पेशेंट का आवाज़ में हल्का सा बदलाव आता है जिसको कि ज़्यादातर लोग निगलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा आवाज़ में भारीपन आ गया बोल के उसको कोई लोकल मेडिकेशन लेके छोड़ देते हैं। और तीसरा, कुछ लोगों में खाने के टाइम डिफ़िकल्टी आता है सोलो करने में, या फिर पेशेंट को पेन होता है जो लोग सोलो करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि गले के रिलेटेड है। और बाकी उसको छोड़ के हमारा कैंसर भी नाक को भी इन्वॉल्व करता है, नाक और नाक के पिछले वाला सेक्शन जो जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में नेजोफेरिंक्स बोलते हैं उसको भी इफेक्ट करता है। तो ऐसा अगर रहेगा तो नाक में सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत आएगा, पेशेंट को कभी कभार नाक से खून भी निकल सकता है पेशेंट का। और ऐसे ईयर भी इफेक्ट होता है कैंसर से, लेकिन ईयर का जो इफेक्ट है वो बहुत लिमिटेड है। तो मेन जो इफेक्ट रहता है वो गला और नाक के ऊपर रहता है, और बाकी मुंह का कैंसर भी हम लोग ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे इफेक्ट रहता है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी बताई डॉक्टर साहब ने हमें कि कैंसर ही नहीं तंबाकू के सेवन से गला और मुंह और नाक, ये तीनों जो क्षेत्र हैं, ये तीनों जो अंग हैं, ये महत्वपूर्ण अंग हैं। शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा तंबाकू की जद में आने वाले ये तीनों अंग होते हैं और इन अंगों पे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जब बीमारियां होती है तो आप इनकी कैसे जाँच करते हैं, मतलब ये पता कैसे लगती है कि ये कैंसर नहीं है या ये बीमारी कैसे ठीक होगी, तो इसमें देख कर ही पता लग जाता है या इसकी कोई जाँचें भी होती है? जी बिल्कुल, इनके जाँचें होते हैं। पहले तो जो पेशेंट्स आते हैं वो डिफरेंट सिम्टम्स लेके आते हैं, तो सिम्टम्स के आधार पर हम सस्पेक्ट करते हैं पहले कि पेशेंट को किस रीज़न का कैंसर होने का संभावना है। जैसे पेशेंट अगर नाक से खून लेके आता है तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि नाक में कुछ मांस बढ़ रहा है, जैसे इन्वर्टेड पापिलोमा हो सकता है, या नेजोफेरिंग्स जो नाक के पिछले वाला भाग है वहाँ पे अगर कुछ कैंसर होता है तो सिर्फ उसी केस में पेशेंट से नाक से फिर खून निकलेगा और यहाँ पे एक छोटा सा गांठ बन के लेके आएगा पेशेंट। या अगर पेशेंट का मुंह का अगर कैंसर हुआ तो पेशेंट को एक अल्सर बनेगा जो कि हील नहीं होगा, मतलब जो भरेगा नहीं, वो जितने भी आप दवाई लो वो भरेगा नहीं, वो अल्सर कंस्टेंटली रहेगा। या जीभ के कोई भी भाग में आपका कैंसर हो सकता है, तो पेशेंट को जब भी खाएगा उसको बहुत भारी दर्द होगा। और एक बहुत सारे कैंसर जो रहते हैं वो जीभ के पिछले वाला हिस्से में, जो जिसको हम लोग बेस ऑफ टंग बोलते हैं, उस रीजन में अगर कैंसर हुए तो पेशेंट को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ वो जब खाना अंदर लेता है तो उसको बहुत दर्द होगा। तो ये ज़्यादातर क्या है, ये जैसे कैंसर है बेस ऑफ टंग, इसको हम लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि तुरंत हम लोग देखेंगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा, जब तक हम लोग उसको उंगली डाल के फील नहीं करेंगे तब तक वो हमको पता नहीं चलेगा कि बेस ऑफ टंग में कुछ कैंसर हुआ है। तो और भी नीचे जाएँ तो फिर हमारा जैसे गले का भी कैंसर हुआ उसका हम लोग
फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी डालते हैं, एक छोटा सा पाइप है जिसमें आगे एक छोटा सा कैमरा रहता है, उसको नाक के थ्रू से डालते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि सुन्न हो जाए, तो वो अंदर तक जाता है। उसमें हम लोग डिफरेंट एरिया का जैसे पैनोरामिक व्यू लेके गले वॉइस बॉक्स जो बोलते हैं जहाँ से आवाज़ निकलता है वहाँ तक हम लोग उसको डाल के देख सकते हैं अगर वहीं कहीं पे कैंसर वगैरह है। ऐसे नाक का भी हम लोग है डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं, तो उसमें नाक का अंदर तक हम लोग जाके नेजोफेरिंग्स तक जाके बारीकी से देख सकते हैं। नेजोफेरिंग्स का जो कैंसर शुरू होता है कॉर्नर से शुरू होता है, तो उस एरिया को भी हम लोग बारीकी से देख सकते हैं जो कि बाकी इन जांचों में मिस हो जाता है। तो ये हम लोग ओपीडी बेस में ये सब कर लेते हैं, 5-7 मिनट का टाइम लगता है इसमें, ओपीडी बेस से ये हो जाता है। बाकी अगर हम लोग को उसके बाद उसमें कुछ सस्पिशियस नज़र आता है तो हम लोग फिर सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए एडवाइज़ करते हैं, जैसे बेस ऑफ टंग हुआ या जीभ का कुछ हुआ या बकल म्यूकोसा जो रहता है उसमें अगर कुछ कैंसर हुआ तो हम लोग फिर उसमें एमआरआई भी एडवाइज़ करते हैं, नहीं तो नॉर्मली अगर कैंसर लेरिंग्स का हुआ तो उसमें हम लोग सीटी स्कैन एडवाइज़ करते हैं ताकि हम लोग एक्सटेंट ऑफ डिजीज बीमारी कहाँ तक फैला हुआ है हम उसको उससे पता चलता है लगा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अलग अलग जांचें हैं, तो ये केवल एक ही चीज़ नहीं है कि हर जो सिम्टम आ रहे हैं वो कैंसर ही है, कैंसर के लिए पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, पूरी जांच करते हैं, फिर उसके बाद एक मत पे आते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। और ये सारी जांचें आपको नाहर हॉस्पिटल में इस विशेष पैकेज के माध्यम से इन्हीं दिनों में आप इन्हीं के उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो विशेष पैकेज है इसमें आप 40-50% की छूट भी हासिल कर सकते हैं, तो और डॉक्टर साहब से मिलकर भी आप ये सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपको नाहर हॉस्पिटल में अपने कान नाक गला विभाग के अंदर ये वहाँ पर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएँ लोगों के बीच में लोगों के जनहित के लिए और लोगों की सेवा के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। और नाहर चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि लगातार कई वर्षों से लोगों के जनहित में और समाज के लिए कार्य करता आया है, तो हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने यहाँ पे हमें जानकारी दी। एक अंतिम जानकारी से मैं आपको जानना चाहूँगा कि अगर ये कैंसर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं कई मूवीज़ में भी शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये कैंसर फैल गया और वो मुँह का टुकड़ा काटना पड़ा, तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती है, तो ये स्थितियाँ क्या होती है, ये स्थितियाँ अचानक ऐसे कैसे आ जाती है? जी ये बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा कि ये जो बहुत सारे केस में जो मूवी में दिखाया जाता है। देखिए पहले तो जो कैंसर शुरू होता है वो एकदम से बहुत जल्दी बढ़ के बड़ा नहीं हो जाता, तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इनिशियली क्या होता है हमारे यहाँ के जैसे आसपास के जालौर और इसके आसपास के जो लोग हैं वो इनिशियली उसको छोटा सा कुछ बीमारी एक छाला पड़ गया एक फुंसी पड़ हो गया है बोल के उसको वो लोग थोड़ा नेग्लेक्ट कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो छुपाते हैं और वो डरते हैं, वो टालते हैं अपने कामों के चक्कर में, तो उनको लगता है कि हमारा जो फेस्टिवल्स वगैरह है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, उसके बाद ठीक है सेकेंडरी है कि जाके डॉक्टर के। ये बहुत प्रासंगिक बात कही है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में कोई भी आयोजन है, चाहे वो शादी ब्याह है, चाहे हमारे घर में कोई सामाजिक फंक्शन है, तो हम उसमें जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब इसके बाद होगा तब देख लेंगे। तो ये जो ये बाद और ये टालम टोल की जो ये आदतें हैं ये कैंसर और मुंह के रोगों में बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, तो ये गलती बिल्कुल ना दोहराएं कि अगर आपको मुंह में कोई भी समस्या है तो वक्त रहते इलाज कराएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये समझ आ रहा है कि आपको अगर कोई भी ऐसे सिम्टम है तो वक्त रहते पहुंचे नाहर हॉस्पिटल और इस विशेष पैकेज का लाभ उठाएं। और सुनते रहें वी1 रेडियो 90.8 एफएम जालौर की आवाज और एक संयुक्त तत्वाधान नाहर हॉस्पिटल के वी1 रेडियो के साथ वर्ड नो टॉबैको डे पर एक विशेष कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच में थे डॉक्टर पद्मा चंद्र चरण पात्रा जी। पद्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे वी1 रेडियो स्टूडियो में आकर हमारे लोगों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस कार्यक्रम इस नोबल प्रोफेशन पे लोगों की मदद करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के थ्रू लाभान्वित हो, हमारी यही आशा है। तो देखते रहिए वी1 रेडियो 90.8 FM।